Hey guys, welcome back to my channel. I hope you are doing absolutely well. तो कैसे हो भाई? तो आज का हमारा ब्लॉग है कि आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन. तो आई होप आपको ये पसंद आएगा. और हम आज काफ़ी दिनों बाद बाहर निकल रहे हैं घर से. नहीं तो नॉर्मली अभी क्या हो रहा था, दिल्ली में ही घूम रहे हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे. तो आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन. तो रूट आपको दिखाते हैं कैसे आप दिल्ली से बाय रोड जा सकते हैं. वैसे काफ़ी सारे ब्लॉग्स आपने देख रखे हैं. तो आज चलिए चलते हैं सीधा वृंदावन और आपको दिखाते हैं वृंदावन की खूबसूरती. ना ऐसा लग रहा है जैसे कि देख रहे हो सामने कोहरा सा हो रहा है. और ये हमें अब हाईवे पे धुंध मिलने वाली है. नोएडा वाले पे हमने एक्सप्रेसवे पे भी मिलेगी. तो यार थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा गाड़ी चलाने में, क्योंकि विजिबिलिटी रहेगी नहीं और टाइम लगेगा आने जाने में. तो सेम डे हमें रिटर्न भी आना है. तो अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है. अभी हो रहे हैं 7:45 और अभी मैं 7:45 से निकला हूँ. अभी बेसिकली मेरे को पहले घर पे भी जाना है, घर से कुछ सामान लेना, गोप्रो लेना है. फिर उसके बाद वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से टाइम स्टार्ट करते हैं कि कितना टाइम लगेगा पहुँचने में. सो गाइस अभी फाइनली घर से निकल चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 8:07. तो देखते हैं ढाई घंटे में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे. और अभिषेक मेरा अक्षरधाम पे वेट कर रहा था. अभिषेक को अक्षरधाम से पिक करते हैं और सीधा निकलते हैं वृंदावन. तो भाई अभी ना हम आ चुके हैं और सबको मैंने पिक कर लिया. तो अभी हम हैं नोएडा अक्षरधाम वाले रोड पे. अभी जस्ट नोएडा में एंटर करने वाले. बस यही है. अभी अभिषेक भाई पार्टी देंगे, लाएंगे कुछ ना कुछ. देंगे. अमीर इंसान यही है हमारे अंदर. पैसा बहुत है, ऐसा बहुत है. वेलकम टू ग्रेटर नोएडा. गाइस अभी ना हम आ चुके हैं जेवर टोल पे. जेवर टोल से जस्ट आधा किलोमीटर पहले ना ये पेट्रोल पंप पड़ता है और रेस्ट एरिया पड़ता है. जो भी आपको मतलब लाइक सीएनजी वगैरह या भी गाड़ी में जो भी काम करना है या फिर ब्रेकफास्ट करना है या फिर कुछ भी खाना पीना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो. तो अभी जस्ट अभिषेक बाहर गाड़ी लेके जा चुके हैं और मैं अभी वॉशरूम से होके आया हूँ. तो अभी जस्ट गाड़ी जाते हैं. अभी जस्ट यहाँ पर ना हमने सीएनजी डलवाई है और कुछ अभी करानी है. इतनी भूख नहीं है सुबह. अभी सुबह सुबह के टाइम है 9:30 का हो रहा है. अभी 9:30 हो रहे हैं. अभी जस्ट चलते हैं गाड़ी के पास और निकलते हैं यहाँ से आगे और आगे रुक के कहीं पे ब्रेकफास्ट करेंगे. और जैसे कि आपको दिख रहा होगा सामने की मथुरा वृंदावन में आपका स्वागत है. और ये रोड थोड़ा पतला है और इसमें कोहरा भी है. साइड में अभी हम जाके दिल वाले दुल्हनिया ले जाने की शूटिंग करेंगे. अभी सरसों के खेत में उतर के वैसे एक भाई कहाँ रेडी हो भी बनाएंगे. तो भाई फाइनली अभी हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर. जस्ट हमारे पीछे देख रहे हो प्रेम मंदिर है. यहाँ पे गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दिया. तो जिस रास्ते से हम आए ना डायरेक्ट हमें प्रेम मंदिर के पास ला कर छोड़ा उसने. तो अभी अंदर चलते हैं, पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे हम स्कॉन टेम्पल और पाके बिहारी मंदिर. और कहाँ जाना, एक आध दो जगह और देखते हैं. फिर उसके बाद फिर चलते.
भाई अभी ना हम अंदर आ चुके हैं प्रेम मंदिर के, और जस्ट जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करेंगे सामने आपको मंदिर दिखेगा, और जस्ट आपके लेफ्ट हैंड पे यार क्या मस्त, देखो कृष्ण जी जब शेषनाग के ऊपर जब चढ़े थे, जब उसने जहर उगल रखा था नदी में, तो वो सारी थीम यहाँ पे दिखा रखी है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। तो अभी मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ इसको, ठीक है। इधर देखो ये इधर ये इन्होंने थीम बना रखी है। ये किशन जी ने जब अपनी कन्नी उंगली पे जब पर्वत उठाया था गोवर्धन पर्वत, तो उस टाइम का ये थीम बना रखा है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। इसमें सारे जितने भी गांव के लोग थे सब इसी के नीचे आ गए थे। तभी जस्ट ये वही दर्शाते हुए हैं कि किशन जी ने जब अपनी कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो कैसा लग रहा था। भाई अभी ना अंदर मंदिर में होके आ चुके हैं। अभी जो है ना मंदिर के अंदर जो पर्दे हैं कपाट लगा रखे हैं, तो अभी जस्ट 10 मिनट में वो खुलेंगे। आरती का टाइम होगा, आरती होगी, फिर उसके बाद 12:30 बजे फिर मंदिर बंद हो जाएगा, फिर शाम को खुलेगा। तो अभी जस्ट ना अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मेरे पास कुछ पुरानी वीडियोज़ पड़ी हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूँगा, तो उससे आप देख लेना। अभी ना आरती का टाइम हो चुका है, अंदर शंख बज रहे हैं, तो अभी आरती अंदर हो रही है, अंदर जाके आरती देखते हैं। ऑल दो मैं आपको वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा अंदर की अभी आरती की, तो अभी हम जाके अंदर आरती देखते हैं और बाद में आपको अपडेट देते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा स्कॉन टेम्पल, और उसके बाद जाएंगे वहाँ पर बाके बिहारी मंदिर। तो जस्ट ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आसपास में 1-1.5 किलोमीटर की रेंज में ही है सारे। तो अभी सीधा चलते हैं मंदिर और देखते हैं। भाई अभी हम ना इस्कॉन टेम्पल जा रहे थे, इस्कॉन टेम्पल से कैंसिल हो गया, अभी हम जा रहे हैं बाके बिहारी मंदिर, और टाइम 1 बज चुका है मेरे हिसाब से। अब वो भी बंद हो चुका होगा, भैया बता रहे मुझे 1 बजे बंद हो जाता है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, फिगर आउट करते हैं क्या करते हैं। बंद भैया कह रहे हैं कि बंद हो गया, तो अभी देख लेते हैं क्या। अच्छा इस्कॉन टेम्पल अभी बंद है, तो अभी देखते हैं क्या पैसा दे रहे थे ना भाई। बच गया बेटे तेरा चश्मा, बोले तो उतार के रखो। भाई बंदर का तरीका तो आपने देख ही लिया होगा चश्मा चुराने का, और इससे बोल भी रहते हैं क्या चश्मा उतार ले चश्मा उतार ले। इतने तो चश्मा उतार नहीं भाई, इतने तो ले गया लात मार गए इसके। और चश्मा लेने के बाद करा ले। तो भाई अभी ना हम आ चुके हैं बाके बिहारी मंदिर की गलियों में, तो अभी ना यहाँ पे बंदर भी है, तो फोन वगैरह बचा के भी रखना है और व्लॉग भी करना है। तो अभी मंदिर की गलियों में घूम रहे हैं, आगे जस्ट आगे जाके मंदिर है, तो अभी चलते हैं सीधा आगे ना। अभी आ चुके हैं हम बाके बिहारी मंदिर, और जस्ट हमारे पीछे बाके बिहारी मंदिर है। तो भाई जब आप आ रहे हो ना यहाँ पे, तो मेक श्योर ये करना कि आप दिन में आएँ, तो अगर दिन में आए तो 1 बजे से पहले आएँ सुबह, और शाम को आ रहे हैं तो 4-4:30 बजे के बाद आना, क्योंकि तो बीच में ये कहा जाता है कि भगवान का सोने का टाइम होता है। तो अभी कपाट बंद है, और 1 बजे कपाट बंद हो जाते हैं, अंदर कर्टन्स डले हुए, तो अभी 4 बजे सीधा दर्शन खुलेंगे। तो अभी जब तक वेट करते हैं, कुछ बार अंदर मंदिर तो अभी बंद है, तो अभी हम जा रहे हैं निधिवन, निधिवन में देखते हैं, वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करते हैं। निधिवन में बोला जाता है कि शायद मेरे हिसाब से कि वहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी रात को नृत्य करते हैं, तो अभी जाके देखते हैं।
भाई अभी हम आ चुके हैं निधिवन में अभी, तो इसको ना ऐसा पूरा कवर कर रखा है ताकि बंदर ना अंदर आ पाए। तो अभी सीधा चलते हैं और दिखाते हैं आपको जो हम देख पा रहे हैं। भाई अभी ना हम आए हैं यमुना दर्शन करने केसी घाट। तो अभी थोड़ा वहाँ से तो साफ है, अपने उधर से तो साफ है क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा साफ है, पानी भी साफ दिख रहा है और यहाँ की जो नाव है वो भी थोड़ी सजा के रखी हुई है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो बैठ तो गए लेकिन इसमें लाइव गार्ड जैकेट तो है ही नहीं। अगर कहीं गए तो गए, मेरे को तो तैरना भी नहीं आता। इस पानी में सुगंध से ही मर जाऊंगा तैरने की जरूरत। तो भाई अभी ना वहां से घाट से निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम बांके बिहारी मंदिर, क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30 हो चुके हैं और जाते जाते 4:15 हो जाएंगे, तो 4:30-4:15 बजे के करीब मंदिर खुलता है। तो अभी चलते सीधा बांके बिहारी मंदिर, वहाँ पे दर्शन करते हैं फिर यहाँ से निकल जाएंगे। भाई अभी ना 4 बजे भी नहीं है और लाइन देखो कितनी तगड़ी लगी है। तो अभी लाइन भाई दर्शन करके अभी निकल चुके हैं हम और अंदर कुछ ज़्यादा ही ताबड़तोड़ भीड़ हो गई थी, बहुत धक्का मुक्के करने के बाद दर्शन हुए, सामने प्रसाद चढ़ा के आए और फ़ोन भी मैंने टाइट पकड़ रखा है कहीं बंधन ना आ जाए, वो यहीं ही घूम रहे हैं। तो अभी ना से सामने से जो एग्जिट गेट था वहाँ से इन्होंने बंद कर रखा था, तो अभी हमें थोड़ा लॉन्ग कट लेके घूम के जाना पड़ रहा है और वहाँ से जाके जूते अपने लेते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं वृंदावन से, अभी यहाँ से डायरेक्ट रुकेंगे सीधा जेवर टोल, वहाँ पे चाय वाय पियेंगे, उसके बाद सीधा निकलेंगे हम अक्षरधाम और बीच में कहीं गाड़ी नहीं रुकेगी अब क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो फॉग ज़्यादा हो जाएगा हाईवे, बिकॉज सुबह के फॉग से ज़्यादा शाम का फॉग ज़्यादा दिक्कत देगा क्योंकि बिल्कुल भी, एक तो इसकी लाइट ही माशाल्लाह है ना, तो इस वजह से कि जितना जल्दी टाइम से निकल जाए अपना अच्छा है और बाकी आगे बात करते हैं। अभी हम आ चुके हैं जेवर टोल प्लाजा और यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फ़ोन में बैटरी डाउन हो गई थी, फ़ोन को भी चार्ज करना है तो चाय वाय पीते हैं, अपनी भी बैटरी चार्ज करते हैं और फ़ोन की भी बैटरी चार्ज कर लेते हैं, फिर वहाँ से सीधा रुकेंगे आप सीधा अक्षरधाम।